हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो मैम, बेटा आई एम आल्सो फाइन। तो दे विल स्टार्ट सम पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर लर्निंग टू शेयर से के कुछ पार्ट अभी बचे हुए हैं। तो देखिए वो क्या है, आप लोगों ने रीड किया, समझ में आप सभी के आ रहा है ना? जो भी आप लोग रीडिंग करते हैं वो समझ में आता है सभी को? यस मैम। सलोनी चौधरी, आपको भी समझ में आ रहा है? तो देखते हैं अब क्या होना है, क्या हो रहा है। तो यस्टरडे हम लोगों ने रीड किया था कि जो आमी थी उसने कहा कि मैं भी क्रीम, मक्खन और मफिन्स, जो भुने हुए बिस्किट्स होते हैं, जो ब्राउनिश होते हैं, उन्हें मैं भी लेकर के जाऊंगी। उसने ही हीरोज क्लीमेंस होता है उत्साह के साथ, उसने ये बातें अपनी की थी जो उसका फेवरेट फूड था उसे देने के लिए। आर यू एग्री विथ मी? क्या इस टॉपिक तक आप लोग यहीं तक पहुंचे थे हम लोग, सही है? यस बेटा। तो नेक्स्ट हमें रीड करना है आगे क्या होता है। तो चलिए दिव्यांशी रीड ना बेटा, दिव्यांशी रीड बेटा। बेटा अपना माइक ऑन कीजिए, आफ्टर दैट रीड करिए बेटा। यस बेटा, यू हैव नो नेटवर्क, तो यू शुड वेट बेटा, आपको वेट करना चाहिए। ऋषभ यू मैच वाज क्रिएटिंग पैकिंग द मैश्ड पोटैटोस एंड चीज इनटू अ बिग बास्केट। आई थॉट यू डिड इट। मम्मा स्माइलिंग, वी विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट एंड मेक इट अप एंड सपर। यस बेटा, तो देखते हैं क्या होता है अब। हु वाज मेग? मेग कौन है? अभिनय बेटा, हु वाज मैग? मैग कौन है? मैम एक छोटा सा। क्या है? मैम एक छोटा सा बर्तन है। वेरी गुड, आप तो बहुत ब्रिलियंट निकल गए। मग की बात नहीं हो रही जिसे आप छोटा सा बर्तन मग बोल रहे। चलिए कनीज जी बेटा, एक लड़की है। यस बेटा। मैम वो एक लड़की है। वेरी गुड बेटा। मैम लड़की है। मैग वाज अ गर्ल। ये जो फोर सिस्टर्स हैं उनमें ही एक गर्ल्स है जिसका नेम है मैग, मग नहीं। मग की स्पेलिंग कुछ और होती है, स्पेलिंग ऑफ मग। मग की स्पेलिंग क्या होगी? M-U-G mug। तो ये तो मग नहीं, राइट है?
यस बेटा, तो मैग वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स सलोनी बेटा, ऑलरेडी मीन्स यस सलोनी ऑलरेडी यस बेटा तनीज मैम हमेशा ऑलरेडी मीन्स हमेशा बेटा, ऑलवेज मीन्स हमेशा. शिवा एंड सचिन बेटा, सचिन टेल मी मीनिंग ऑफ ऑलरेडी. सचिन मैं तैयार हूं ना. ऑलरेडी मीन्स तैयार होना. खुशी यस बेटा ऑलरेडी यस बेटा. मैम मैम ऑलरेडी मीन्स पहले से तैयार. वेरी गुड बेटा, पहले से तैयार. ऑलरेडी मीन्स पहले से तैयार. तो मैग वॉज ऑलरेडी पैकिंग. मैग ने तो पहले से ही पैकिंग कर रखा था. अब उसने पैक क्या किया था? मैस्ड. मैस मीन्स क्या होता है? एम ए एस एच, मैस. मैस मीन्स पिसा हुआ. पिसा हुआ, वेरी गुड बेटा. कुचला हुआ या फिर पिसा हुआ, गुड. तो मैस्ड पोटैटोज, जो पिसा हुआ आलू था, कुचला हुआ आलू था, वो जो है मैग ने पहले ही तैयार कर रखा था, पहले उसकी पैकिंग कर ली थी. और किसकी? चीज. चीज मीन्स दिव्यांशी, चीज मीन्स बेटा, आप अपना नेटवर्क में हो जाइए. आप जो कुछ भी बोल रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं. मुझे क्या, आपके जो फ्रेंड्स हैं इनको भी नहीं सुनाई दे रहा होगा बेटा. आप लोगों को दिव्यांशी की कोई भी बात समझ में आ रही है? बेटा आप नेटवर्क में जाइए, नेटवर्क देख लीजिए, जहां आपका नेट कनेक्ट हो वहीं पर हो जाइए बेटा. आज आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है. तो दैट्स, देखिए क्या चीज. चीज मीन्स होता है बेटा सलोनी. आप बताइए. पनीर. वेरी गुड बेटा, पनीर. चीज मीन्स पनीर. तो कुचले हुए आलू या पिसे हुए आलू और पनीर इन अ बिग बास्केट, बड़ी सी टोकरी में, बड़ी सी डलिया में मैग ने पहले ही पैकिंग कर ली थी. अब ये सभी लोग कहाँ जाने वाले हैं? Which place? कौन सी जगह पर ये लोग जाएंगे? आंचल. मैम पुअर वुमेन के घर. वेरी गुड बेटा, पुअर वुमेन के घर. वेरी गुड, पुअर वुमेन के घर जाएंगे ये लोग. तो इन लोगों ने, अब देखिए, आमी ने अपना क्रीम और मफिन्स तैयार कर लिया, मैगनी अपने मैस किए हुए आलू और चीज बास्केट में रख लिया. अब और इससे पहले क्या हुआ था? यस, तो इन दो लोगों ने ये किया. आफ्टर दैट आई थॉट यू डिड डू इट. ममा सेड द ममा स्माइलिंग. ममा ने मुस्कुराते हुए कहा. सेड ममा. ममा ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुरा करके, स्माइल करके. क्या कहा? आई थॉट, मैंने सोचा था. यू डिड डू इट, तुम ऐसा ही करोगी. मैंने सोच रखा था कि तुम लोग मेरी बात को टालोगी नहीं, ऐसा ही करोगी.
अगर मैं तुम लोगों से कह रही हूं क्या कहा था मम्मा ने, फॉर हेल्प, मदद के लिए कहा था ना? यस मैम। यस बेटा, तो मैंने मुझे पूरा विश्वास था, मैंने पहले से सोचा था कि यही होने वाला है, आप लोग मेरी बात को टालोगी नहीं और आप जरूर हेल्प करने के लिए जाओगी। फिर देखिए मम्मा ही फिर बोल रही है, क्या बोल रही है, वी विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। मम्मा ने फिर क्या कहा, वी विल, हम लेंगे, क्या लेंगे, ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। हम अपनी सारी चीजें तो ओमेन को दे देंगे जो पुअर ओमेन है, पुअर फैमिली है, और खुद क्या खाएंगे, क्या खाएंगे खुद? मैम ब्रेड एंड मिल्क। यस, ब्रेड एंड मिल्क, और हम लोग ब्रेड और मिल्क को खाएंगे और यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। हमने जो कुछ भी रखा हुआ है, मफिन्स है, क्रीम है, मैश्ड किए हुए पोटैटोज है, चीज है, इन सारी चीजों को तो हम पुअर फैमिली को दे देंगे और खुद क्या लेंगे, खुद ब्रेड और मिल्क, ब्रेड और मिल्क से ही हम अपना काम चला लेंगे। एंड मेक इट अप एट सुपर, सुपर मीन्स बेटा आदेश, मोहित यू, एनीवन, सुपर मीन्स, बेटा डिनर जानते हैं आप लोग? यस मैम। बेटा डिनर का ये सिमिलर वर्ड है सुपर, सुपर और डिनर इज अ सेम, रात का भोजन। मैम सुपर मतलब रात का खाना। यस, रात का खाना, और डिनर मींस भी वही होता है। यस मैम। दिव्यांशी, डिनर मींस? मैम रात का खाना। मैम मैं आते हैं रात का भोजन। यस, रात का भोजन, डिनर मींस रात का भोजन। तो अब देखिए ये लोग मम्मा क्या कह रही, वी विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। हम ब्रेड और मिल्क क्या ब्रेकफास्ट में ले लेंगे, एंड मेक इट, और इसे रात में भी यही बनाएंगे, रात के भोजन में भी, रात के खाने में भी हम यही खा लेंगे। मेक इट अप, मेक इट अप एट सुपर, हम यही रात में भी खा लेंगे। She looked at the girls. अब उसने क्या देखा, लड़कियों को देखा, and felt, और महसूस किया proud. Proud means गर्व। तो मैंने लड़कियों को देखा और उन पर मैंने गर्व महसूस किया, लड़कियों पर, बिकॉज, क्यों मम्मा ने गर्ल्स पर प्राउड क्यों फील किया? मैम क्योंकि वो अपना लंच, अपना डिनर, लंच सब पूरा फैमिली को दे रहे थे। वेरी गुड बेटा, क्योंकि वो जो गर्ल्स थी, देखिए गर्ल्स जब आप अभी छोटे हैं, अगर आपसे कोई बोले कि आप अपनी फैब्रिक ड्रेस या फैब्रिक टॉय या फैब्रिक स्लीपर स्वेज सोज या फिर बोलिए बैंड वगैरह जो आप हेयर बैंड यूज करती हैं, इसे अगर आपको किसी को देना हो तो आप लोग का मन नहीं करेगा कि हम ये दे लें, बिल्कुल नहीं मन करेगा, किसी का भी मन नहीं होता, ये तो मेरी फेवरेट है मैं क्यों दूं,
ऐसा ही गर्ल्स के भी साथ हुआ, लड़कियों ने भी देखिए पहले आपको याद होगा पहले गर्ल्स ने यही कहा था, कुछ देर के लिए कुछ बोली नहीं थी, जब मामा ने कहा कि चलो हम अपना जो भी हमारा भोजन है इसे हम उस परिवार को दे दें जो गरीब है, जो भूख और ठंड से मर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए सारी लड़कियां चुप थी, कोई नहीं बोला था। रिमेम्बर, याद है सभी को ना? यस मैम। यस बेटा, तो दैट्स बाद में आल सभी क्या होंगे, रेडी हो गई कि मम्मा जो बोलेंगी वही सही है, हमें वही करना है, और आफ्टर दैट उन्होंने किया भी वही। ओके तो दैट्स यस मैम। इस कारण ही जो मम्मा थी वो फेल्ट प्राउड ऑफ देम, वो उन पर क्या कर रही थी, घमंड महसूस कर रही थी, गर्व कर रही थी, गर्वान्वित हो रही थी। यस बेटा, खुशी खुशी बेटा रीड करिए। सून देयर दे रिराइज्ड दे reached the room where the poor family was staying. It had broken window and there was so no free, no the bed there fire no fire the wet cloth were rugged on each a sick mother and King Devi was lying a group of plea hungry children. Mummy, can I tell? Bita, hungry children. Crossed. Under one old quilt. Trying to keep warm. Yes, beta. Stop. देखिए, soon, जल्दी ही क्या होता है? They reached. Reached means आचल. Means पहुँचना. पहुँचना बेटा. Very good. मैं पहुँचना. Yes. तो soon, जल्दी ही they reached the room. वे कमरे में पहुँच गए. Where, जहां पर the poor family was staying. Staying means stay means मैम रहना. Stay means ठहरना. Poor family रहती थी,
रह रही थी जहां पर थी वहां पर वो लोग जल्दी ही पहुंच गए। कौन लोग? कौन जल्दी पहुंच गए? मामा एंड देयर गर्ल्स। यस मामा एंड देयर गर्ल्स। कौन? तो मामा और देयर गर्ल वहां जो ये जल्दी ही पहुंच गई कहां पर? उस कमरे में जहां पर पुअर फैमिली थी। इट हैड ब्रोकन विंडो। अब कमरे में क्या था? ब्रोकन विंडो। ब्रोकन मीन्स मैम, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। टूटा हुआ। तो इट हैड ब्रोकन विंडो जो, और विंडो मीन्स, अभिनय आप बताइए विंडो मीन्स। खिड़की। वेरी गुड। तो इट हैड ब्रोकन विंडो, खिड़कियां टूटी हुई थी। कमरे की जो खिड़कियां थी वो कैसी थी? टूटी हुई थी। मीन्स विंटर सीजन में आपको याद होना चाहिए जो फेस्टिवल था वो कौन सा फेस्टिवल था? मैम क्रिसमस। क्रिसमस फेस्टिवल। तो क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन। ठंडियों की मौसम में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। दैट्स ठंडी का मौसम था। तो ब्रोकन विंडोज, खिड़कियां जो थी वो टूटी हुई थी। एंड देयर वर नो फायर, और वहां पर कोई आग भी नहीं जल रही थी। मीन्स खिड़की से हवा पास हो रही थी, हवा अंदर आ रही थी। ठंडियों में हवा बहुत ही लगती है ना, ठंड लगती है हवा से। यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो ठंडी का मौसम है, खिड़की खुली हुई है, तो मीन्स बहुत ठंडी है। एंड देयर वर नो फायर, और वहां पर कोई आग भी नहीं जल रही है। वहां कोई आग नहीं जल रही है, सब कुछ ठंडा है। द बेड क्लॉथ वर ड्रैग, जो बेड का कपड़ा है, जो बेड सीट है। बेड क्लॉथ मीन्स बेड पर बिछा हुआ क्लॉथ, मीन्स चादर। चादर जानते हैं सभी ना, बेड सीट। Yes, ma'am. तो जो बेड क्लॉथ है वह रग, वो भी फटी हुई है, फट गई है, फटी है। जो बिस्तर की चादर है वो फटी है। ऑन, और उस पर क्या है? ऑन विच, और उस पर अ सिक मदर। सिक मीन्स सिवा सचिन, बीमार। सिवा मैम बीमार। बीमार। वेरी गुड। आप लोग एक्टिव रहिए, बिल्कुल। आज कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, ओनली अनन्या ही बोल रही है। तो आफ्टर दैट देखिए क्या है। तो विच, उस पर कौन लेटा हुआ है? अ सिक मदर एंड अ वॉइलिंग। वॉइलिंग मीन्स रोता हुआ। वॉइलिंग मीन्स रोता हुआ। बेबी मीन्स बच्चा। वॉज लिंग, लेटा हुआ है। और जो बेड है उसकी चादर फटी है, और उस पर एक बीमार माँ और उसका रोता हुआ बच्चा लेटा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ पेरेंट मीन्स इनका जो ग्रुप है वो हंग्री चिल्ड्रन। आप देखिए जो भूखे बच्चे हैं इनका ग्रुप क्या है? अंडर वन ओल्ड क्वाइट, एक पुरानी रजाई के अंदर इकट्ठा हो गया है। बच्चे हैं वो पुरानी रजाई के अंदर छिपे बैठे हैं। ठंडी बहुत है। कीपिंग, ट्राइंग टू कीप वार्म। ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं, टू कीप वार्म, गर्म रखने, खुद को गर्म करने की,
खुद को गर्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं, किसके अंदर? एक पुरानी रजाई है उसके अंदर. द ओमेन वॉज ओवरजॉयड टू सी देम एंड कॉल देम एंजल. चलिए स्टार्ट करते हैं. कनीज, कनीज बेटा रीड नाउ. The woman was overjoyed to see them and called them angels of peace. Soon crackled in the fireplace. The girl covered the book. Covered, beta, covered कहाँ right है? Crackled. Crackled with old hats. Beta, आप कहाँ पढ़ रही हैं? In the yes, fireplace. Fireplace. The girl covered the broken windows with old hats and clock. Mama give the woman the and girl gruel and comfort her. Yes, beta. So the woman was overjoyed to see them. जो ओमेन थी उसे बहुत खुशी हुई, बहुत वो खुश हुई. टू सी, देख करके, देम मीन्स उनको. जो ओमेन थी वो उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुई. किसे देखकर? मैम, गर्ल्स एंड देयर मामा को. यस, गर्ल्स एंड देयर मामा को देखकर ओमेन बहुत खुश हुई. एंड कॉल्ड देम एंजल. एंजल मीन्स होता है देवदूत, जो भगवान के द्वारा मैसेंजर होते हैं, संदेश वाहक होते हैं. तो उन्होंने उसे देवदूत कहकर पुकारा. मीन्स जो पुअर ओमेन थी उसने गर्ल्स को एंड उनकी ममा को एंजल कहा, देवदूत कहा. अ फायर सून क्रैकल्ड इन द फायर प्लेस. जहां पर आग जल रही थी, आग जलाने वाली जगह पर जल नहीं रही थी, मीन्स वहां जलती थी कभी, उस प्लेस पर क्या किया? क्रैकल्ड अ फायर, जल्दी ही आग जलाई. अ गर्ल, उन लोगों ने क्या किया? जहां पर आग जलाई जाती थी उस जगह पर आग जला दी. एंड गर्ल्स कवर्ड द ब्रोकन विंडो. और गर्ल्स ने क्या किया? टूटी हुई खिड़कियों को कवर्ड. कवर मीन्स ढक दिया. द गर्ल्स कवर्ड द ब्रोकन विंडो. टूटी हुई खिड़कियों को लड़कियों ने कवर कर दिया, ढक दिया. विथ, किसके साथ? ओल्ड हैट्स. हैट्स मीन्स मैम टोपियां. पुरानी टोपियों से. एंड क्लॉक्स मीन्स होता है पुराने कपड़े, पोशाक. पुराने फटे हुए कपड़ों से और टोपियों से टूटी हुई खिड़कियों को लड़कियों ने ढक दिया. मम्मा गेव द वुमन. मम्मा ने औरत को दिया. क्या दिया? टी मीन्स चाय एंड ग्रूल मीन्स दलिया. दलिया बेटा, आप लोग दलिया जानते हैं क्या होता है? Yes, ma'am, खाएं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसा होता है? तीखा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है दलिया? मीठा होता है. मीठा होता है. मीठा होता है.
बेटा टू टाइप्स दलिया, टू टाइप्स गेहूं को क्या करते हैं, जो वीट होता है गेहूं होता है इसको दरदरा कर लेते हैं, मींस पीसते नहीं है, कूटते हैं, और आफ्टर दैट इसमें मिल्क एंड वाटर सुगर या और भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहें वो डालकर बनाते हैं, और एक कैसा होता है साल्टी होता है, उसमें क्या होता है आपको वेजिटेबल्स वगैरह डालकर साल्ट ऑयल डालकर बनाते हैं। तो टू टाइप्स में दलिया तैयार किया जाता है। तो मम्मा ने क्या किया, चाय और दलिया उसे दी ओमिन को एंड कंफर्टेड हर, और उसे आराम हो गया, आराम मिल गया। आफ्टर दैट द गर्ल्स फीड द चिल्ड्रन। अब फीड मीन्स होता है क्या, धन्यवाद देना। तो द गर्ल्स फीड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ने गर्ल्स को क्या किया कि बहुत अच्छे से उनकी सराहना की और उन्हें अच्छे से उनकी तारीफ की, धन्यवाद दिया। हाउ द बिग आईज स्टार्टेड एंड फॉस्टेड लिप्स स्माइल, और फिर बड़ी बड़ी आंखों से उसने देखा एंड लिप्स पर मुस्कुराहट आई। इट वॉज अ अनफॉरगेटेबल क्रिसमस डे फॉर All of them. और ये हमारे लिए कभी ना भूलने वाला क्रिसमस का दिन था। ये आपका चैप्टर रीडिंग होके फाइनल हो गया। अब आप लोगों ने कितना सीखा ये जानना बहुत जरूरी है। बेटा आप लोगों की समझ में भी कुछ आया या ऐसे ही स्टडी हो गई, पढ़ाई हो गई? मैम समझ में आया, समझ में आया। अच्छा इन दिस स्टोरी व्हाट इज द मेन पार्ट, मेन पार्ट क्या है? क्या सीखते हैं हम इससे? मैम शेयरिंग, शेयरिंग सीखते हैं। वेरी गुड, शेयरिंग, शेयरिंग, यस बेटा। मींस देखिए फेस्टिवल था और फेस्टिवल में बहुत सारी एंजॉयफुल थिंग्स होती है जो हम घर पर डिनर सॉरी जो ईटिंग थिंग्स से इन्हें बनाते हैं, बहुत सारे डिशेस। और कोई हमसे ये कहे कि आप अपना जो आपने डिश बनाए किसी और को दे दीजिए, सब कुछ जो भी आपने बनाया और आप केवल वाटर ड्रिंक करके सो जाइए, तो ये पॉसिबल है? नो मैम, नो बेटा, नो मैम। लेकिन जो ऐसा करता है वो क्या होता है, वो दैट इज पॉपुलर, वो फेमस हो जाता है कि इन्होंने अपनी सारी चीजें दे दी, अपना तो कुछ भी नहीं खाया और सब सब कुछ सेल कर दिया, सारी चीजें दे दी कि सब लोगों को मिल जाए, सभी लोग खाएं, खुश रहें, ऐसे। तो मींस ये जो चैप्टर था ये एंजॉयफुल था या नहीं? मैम था, मैम था। तो आप इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस पर डिस्कस करना है। तो बेटा आप सभी अपनी अपनी बुक जरूर लीजिए क्योंकि चैप्टर तो फाइनल हो गया बट एक्सरसाइजेस हैं, ये हमें बुक्स और नोटबुक दोनों में करनी होंगी, तो इसके लिए बुक्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे वो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको हमें जब बुक में ही करना है तो विदाउट बुक कैसे होगा, या क्वेश्चन आंसर ही करने हुए तो कैसे करेंगे? तो बेटा विदाउट बुक बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई करना। चैप्टर था, चैप्टर तो चलो अच्छी बात है, फिनिश हो गया। अब मैं अगर आपको ये क्वेश्चंस दे दूं तो आप कैसे करेंगे? तो इन दिस केस आपको बुक बेटा लेनी ही होगी,
जितना लेट करेंगे उतना ही लॉस होगा। मैंने आपको बहुत स्लो रीडिंग कराया है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स एंड सेटिस्फाइड। यस मैम। यस बेटा। यस मैम। यस। तो इन दिस यस मैम इन दिस चैप्टर यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. तो अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइजेस वो डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। यस बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। Thank you.